तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। और लास्ट टाइम पे जो पढ़ाई की थी हम लोगों ने, वो ये देखा था कि जो स्प्रिंग थी, स्प्रिंग याद है ना, स्प्रिंग को कंप्रेस करने पर या एक्सटेंड करने पर, दबाने पर या खींचने पर उसमें एनर्जी स्टोर हुआ करती थी। वो एनर्जी कितनी स्टोर होती थी मेगा? स्प्रिंग को कंप्रेस करने पर या स्प्रिंग को एक्सटेंड करने पर उसके रिस्टोरिंग फोर्स लगने की वजह से एक एनर्जी स्टोर हो जाती थी, और उस एनर्जी की वैल्यू होती थी, नहीं होती थी वैल्यू, हाँ वर्णिता, हाँ गुड, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था वर्णिता? एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं था, डिस्प्लेसमेंट था। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? के। तो हाफ के एक्स स्क्वायर में के था स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स था डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ के एक्स स्क्वायर उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती थी। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्प्रिंग लेते हैं। देखिए आपको एक ग्राफ दिखाना है जो अक्सर किताबों में बना होता है। मान लीजिए ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के आगे हमने एक ब्लॉक लगा हुआ है। इस ब्लॉक को यहां पर है, इसको हमने क्या किया, कंप्रेस किया, यहां तक लाए और कंप्रेस करके छोड़ दिया। तो जब हम कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब यहां तक है इसको दबाएंगे ऐसे तो इसके अंदर फोर्स काफी लगने लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। जब छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक यहां जो आ चुका है वो आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग धक्का लगाएगी, यहां तक आएगा, यहां जब आएगा तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा। लेकिन इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा आगे। कितना खींच लेगा आगे? एक्स का माइनस एक्स, इसको माइनस कह दीजिए या उसको माइनस कह दीजिए, एक को प्लस एक को माइनस, और ये कहां तक चला आएगा, यहां तक चला आएगा स्प्रिंग। बात समझ में आ रही है? हमने इस ब्लॉक को दबाया, दबा के छोड़ दिया। जब दबा के छोड़ा तो ये स्प्रिंग धक्का मारेगी, तो स्प्रिंग क्या करेगी, यहां तक जब पहुंचेगा तो स्प्रिंग का फोर्स खत्म, लेकिन ये इसको खींच ले जाएगा आगे। क्यों? इनर्शिया की वजह से। तो कितना आगे तक जाएगा, जितना इधर गया था एक्स तक के जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब यहां तक जाके रुकेगा तो स्प्रिंग में फिर एक्सटेंशन हो चुका है, फिर स्प्रिंग वापस खींचेगी, जब वापस खींचेगी तो फिर खींचेगा, फिर खींचते हुए यहां तक आएगा, फिर छूटेगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ऐसे ऐसे हिलेगा। क्या होगा, ऑक्सीलेशंस होंगे। क्या होंगे? ऑक्सीलेशंस होंगे। और इस ऑक्सीलेशंस के अंदर एनर्जी कैसे चेंज हो रही है ये हमें समझना है। जैसे हमने इसको यहां जब था, इसको जब प्रेस किया यहां तक, तो इसमें एनर्जी कितनी आ गई, कितनी काइनेटिक, कितनी पोटेंशियल? तो काइनेटिक कुछ नहीं, रुका है ना, पोटेंशियल सारी, और पोटेंशियल कितने के बराबर, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ, जीरो। जब ये इस पॉइंट पर पहुंचता है यहाँ, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। क्यों? एक्स डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ये तो मीन पोजिशन हो गई ना जीरो वाली, इसके इधर और इधर ही तो पोजिशन हैं, तो मीन पोजिशन पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो और काइनेटिक हो गई मैक्स, मैक्सिमम। और उसके बाद यहां पहुंचे तो फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या देखा, पोटेंशियल फिर हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का केवल फर्क और कई जीरो। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, इस ऑक्सीलेशन में जो एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है इसका अगर ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ देखिए, टोटल एनर्जी तीनों में सेम रहेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू दिस पॉइंट इक्वल टू दिस पॉइंट, हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी रहेगी स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर ही रहेगी किसी भी पॉइंट पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर यहां पर हम पोजीशन लेते हैं जीरो, जीरो मतलब ये पोजीशन, ठीक है, और इस पोजीशन को बोल देते हैं माइनस एक्स, इसको किसी को माइनस प्लस बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, माइनस एक्स इसको बोलते थे, प्लस वाली एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो
शुरू में जब हमने पूरा इसको दबा दिया था तो उस समय सबसे ज़्यादा क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी उस समय क्या हुई? मैक्सिमम। ये पी है। कब? जब हमने माइनस एक्स दबा दिया था। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो पोटेंशियल कितनी थी? जीरो। और जब एक्स था तो पोटेंशियल कितनी हो गई? वापस मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर समझ में आ रही बात ना? तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? थोड़ा सा डिस्टेंस प्रॉपर नहीं बना, ऐसे ग्राफ आएगा। ये ग्राफ पैराबोलिक शेप का होता है। हाफ के एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर, तो ये किस तरह का शेप लेता है? पैराबोलिक। ये किसकी बात हम कर रहे हैं इस समय? ये हम पोटेंशियल एनर्जी की कर रहे हैं इस तरीके से। ये लाइन एक ही लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या बनाने की कोशिश की? काइनेटिक एनर्जी इसी में। तो काइनेटिक एनर्जी, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट पूरा था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो थी। वहां दबाया था तो यहां पे कोई नहीं थी काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर हो गई जीरो। जब ये जीरो पे आया तब उस समय काइनेटिक थी मैक्सिमम, और फिर यहां पे बन गई जीरो। तो इस तरह का काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा। ये क्या है? के ई। दिस इज के ई। ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ है एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग ऑक्सीलेशंस। टोटल जो के पी रहता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो हमारी हर जगह के ई प्लस पी सेम रहने वाली है एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे। तो ये जो ग्राफ है आपका एनर्जी चेंजेस वाला ग्राफ, ये ग्राफ आपके डायग्राम बना रहता है और देख के आप सोचते हैं पता नहीं क्या बना हुआ है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? चल वर्णिता, आप कुछ पूछना चाहती हैं? इस समय तो हाँ करेगा, तो के ई घटेगी और पी ई बढ़ेगी। यहां से हटेंगे पीछे, जब यहां से पीछे हटेंगे, यहां से जब पीछे हटेंगे हम लोग, तो के ई क्या हो गई यहां पर? मैक्सिमम के बाद घटने लगी और पी ई बढ़ने लगी। यहां पर जाते जाते पी ई पूरी बढ़ गई और के ई पूरी घट गई। नहीं, बात समझ में आई? इस तरीके से एनर्जी चेंजेस का ग्राफ आप बना लेंगे। देखिए डिफरेंट, अब हमें आगे देखना है कि जो एनर्जी होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म की होती हैं। बहुत सालों से आप पढ़ भी रहे हैं, इसको थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे। तो दो चार फॉर्म देखेंगे जिसमें पहली बात आती है हीट। तो हीट में क्या होता है कि जब हम कोई मॉलिक्यूल एटम यहाँ पर है, ये मॉलिक्यूल में जब हम हीट देते हैं तो क्या ये भागता है? इधर भागा, यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल मिला, उसको टक्कर मारी इसने, मारेगा ना टक्कर? टक्कर मारी तो ये वाला टक्कर खा के आ गया इधर, इसने बर्तन कंटेनर की दीवार को टक्कर मारी, फिर ये कहाँ गया? फिर इसने यहाँ मार दिया टक्कर, इसने इस मॉलिक्यूल को, इसने इधर, ऐसे अगड़म बगड़म रैंडम ऑर्डर में सब टक्कर मारते रहेंगे, ना। और टक्कर कितनी तेज मारेंगे? जितना हम उसको गर्मा देंगे, जितनी हीट दे देंगे उतनी तेज वो चालू हो जाएंगे। ठीक, जब ये बर्तन को टक्कर मारते हैं, मान लीजिए स्टील के ग्लास में, स्टील के बर्तन में रखा आप हीट कर रहे हैं, तो जब ये बर्तन को टक्कर मारते हैं तो बर्तन का आउटर सरफेस हीट अप हो जाता है। आप छूते हैं तो
उसके मॉलिक्यूल आपको टक्कर मार देते हैं, या आपने खौलते पानी में उंगली डाली तो क्या कहते हैं, बहुत गर्म है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने उंगली डाली, वो मॉलिक्यूल जो टक्कर मार रहे हैं, उसने आपकी उंगली को भी कसके टक्कर मारी, और उस टक्कर मारने के सिस्टम को हम पहचानते हैं गर्माहट से, हम उसको क्या बोलते हैं, गर्म है बहुत। अगर टक्कर धीरे मारी तो ठंडा है, ठीक है, कसके मारी उसने चारों तरफ से, अरे बहुत गर्म है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स टक्कर मार रहे हैं हमको, हमारी उंगली को, वो सेंसेशन क्या बोल रहे हैं हम लोग, हीट, उसका हीट का नाम दे दिया। बर्तन को पकड़ा और बर्तन में अगर ये टक्कर मार रहे कस कस के, तो ये जो टक्कर खाया बर्तन ने और आपने पकड़ा, आपको भी टक्कर मारा उसने, जैसे पकड़ा वो मारने शुरू हो गए, तो उसको हम बोलते हैं गर्म है, छोड़ देते हैं कि ये टक्कर हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, है कि नहीं। ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल चल रहे हैं, ये केवल लीनियर मोशन में काम नहीं करते हैं, इनके पास हर तरह का मोशन होता है। हर तरह का मोशन का मतलब वाइब्रेटरी मोशन भी होता है, अपनी जगह भी ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं और रोटेट भी कर रहे होते हैं आगे चलते वक्त। तो केवल सीधे नहीं जाते, ये ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, तीन तीन तरीके से खुद वाइब्रेशन अपनी जगह कर रहे है ना, और आगे भी बढ़ रहे और घूम भी रहे। समझ में आ रही है बात, वाइब्रेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब का चीजें जब हम मिला लेते हैं पूरी, तो हम देखते हैं इसको क्या नाम दिया जाता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो भी चीजें गर्मा रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या चीज होती है, इन सब एनर्जी का जोड़, किन एनर्जी का सम, उसके रोटेशन वाली एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन वाली एनर्जी और उसके आगे बढ़ने वाली एनर्जी जो टक्कर मारने का काम करेगा, इसको क्या बोलेंगे, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इसी एनर्जी से काम कर रहा है। तो एक लाइन हम लिख देते हैं इसमें, व्हाट इज हीट, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। हम इस एनर्जी को हीट एनर्जी की हमने यूनिट दे रखी है कैलोरी, ठीक, इस एनर्जी की हमने, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी क्या हुई, ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स, और ये जो एनर्जी की बात कर रहे हैं इसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी। कैलोरी जो यूनिट बनाई थी वो कैसी यूनिट थी, कि हम लोग एक ग्राम पानी ले लें और उसको एक डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने में जितना एनर्जी हमको देना पड़ता है उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। ये थी यूनिट। और जब ऐसा ही सिस्टम पिक्चर में आ गया तो हमने ये माना कि जिस भी जितने भी फॉर्म्स हैं एनर्जी के, चाहे वो हीट हो या कुछ और हो, सबको हम जूल में ही बोलेंगे। तो हमने सबका कन्वर्जन कर दिया जूल में, क्योंकि हैं तो उसी की फॉर्म। तो जूल में और कैलोरी में क्या रिलेशनशिप बनी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये रिलेशन हमारे हाथ लगा हुआ है, ये आपको पता भी होगा उम्मीद करते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। जो दूसरा नाम आता है इसको, उसको हम हीट को थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। इसको हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, और वी ऑल्सो नो दैट दिस एनर्जी एज ए थर्मल एनर्जी, ठीक। इसमें एक स्पेशलिटी क्या है, ये रेडिएट कर सकती है, हीट कैन रेडिएट, हीट कैन रेडिएट, यानी रेडिएशन से ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। आप जानते ही, कहीं पे आग अगर बर्न, फायर जल रही हो, आग लगी हो, आप दूर खड़े हो तो उसकी लॉ लगती है, गर्माहट कैसे लगती है, उसका रेडिएशन से लगती है। तो रेडिएशन की वजह से भी हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये रही हीट के बारे में बात। दूसरी होती है केमिकल एनर्जी, और भी कई तरह की होती हैं, 2-4 मेन पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं केमिकल एनर्जी की।
तो केमिकल एनर्जी में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास H2SO4 है, इसमें हम Zn अगर हम डाल दें, जिंक आयंस के फॉर्म में डाल दें या ऐसे डाल दें, तो नॉर्मली हमारा क्या बन जाता है? Zn-SO4। लेकिन अगर Zn-SO4 में हाइड्रोजन डालने कोशिश करें तो हमारा H2SO4 नहीं बनता, ये नहीं बनता। तो आखिर ये बनता है, ये नहीं बनता क्यों? क्योंकि जो Zn-SO4 है, समझने के लिए आप केमिस्ट्री में ज्यादा बेहतर पढ़ते होंगे, इसको खुद स्टेबलाइज होने के लिए, खुद एक साथ मिलके रहने के लिए, मान लीजिए एनर्जी की आवश्यकता है 80 कैलोरी, 80 जूल, कुछ भी बोल दें, ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझाने के लिए। तो इनको अलग, जो ये अलग अलग है H2SO4, H2SO4 की रिक्वायरमेंट है 100 जूल की। H2SO4 यानी हाइड्रोजन और सल्फेट SO4 दोनों सबको आपस में मिलके अगर रहना है तो हमको 100 जूल का खर्चा लगेगा, और अगर Zn-SO4 को रहना है तो केवल 80 जूल का खर्चा लगेगा। तो कौन सी चीज़ आसान है, कम खर्चे वाली? तो ये क्या करते हैं, 80 जूल वाली चीज़ को पसंद कर लेते और SO4 वहाँ से निकल के Zn बना देता है, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल कम होता है, स्टेबलाइज ज़्यादा हो जाता है। शर्त ये होती है कि Zn जो हो वो आयन के फॉर्म में मिले, Zn++ मिले। Zn++ क्यों होता है? क्योंकि जो जिंक होता है वो इससे मिलने के लिए, क्यों? क्योंकि एनर्जी कम है, दोनों चाहते हैं ऐसा, अपने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। वो एनर्जी कहाँ से लेता है? H2SO4 जो टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को भगा देगा। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को भगा देगा तो 2 कम हो गए, प्लस आ गया, और ये दोनों मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो सर्किट में चक्कर लगाएगा, बिजली पैदा हो जाएगी। सेल में ऐसे ही होता है, बैटरी आती है तो बैटरी में H2SO4 भरा रहता है और जिंक की रॉड डाल दी आपने, तो Zn-SO4 बना और इलेक्ट्रॉन ने चक्कर लगाया, बिजली पैदा हुई। तो बिजली कैसे पैदा हुई? केमिकल एनर्जी से। वही इलेक्ट्रॉन Zn ने निकाले हुए हैं तो चक्कर लगाएंगे, बीच में बल्ब लगा दिया तो बल्ब जला दिया उसने, एनर्जी खर्चा कर दी, फिर लौट आया। बात समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आपस में मिलकर रहने के लिए चाहिए था 80, इसको चाहिए 100, तो 100 कहाँ से लाएगा? जब आप देंगे तब सिचुएशन बनेगी, नॉर्मल सिचुएशन नहीं बनेगी। 80 से 100 कहाँ से मिलेगा? मिल नहीं पाएगा। एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, कम पे आ सकते हैं, चाहिए तो कोई दे हमें। बात समझ में आती है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं ये केमिकल एनर्जी में चली जाती हैं। सेल में, बैटरी में ऐसी केमिकल एनर्जी होती है, क्लास 12 में पढ़ेंगे भी आप। तो सेल के अंदर H2SO4 वगैरह डालते हैं जिससे हम लोग बैटरी बना लेते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है ना। अगली एनर्जी की हम बात करते हैं, इसमें एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ये सब रिएक्शंस भी होती हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी हुई? जिसमें एनर्जी निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात, कार्बन को मिलाइए, ऑक्सीजन को मिलाइए, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझने के लिए मान लीजिए इसको साथ रहने के लिए एनर्जी चाहिए थी 200, इसको साथ रहने के लिए एनर्जी चाहिए 200, तो आपस में जब मिली तो ये 150 में ही काम बन गया और 50 एनर्जी बाहर निकल गई। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक। समझाने के लिए क्या लिखा? कार्बन को खुद नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए 200 यूनिट की एनर्जी चाहिए, O2 को खुद को एग्जिस्ट करने के लिए 200 को चाहिए, इन दोनों को मिलके रहने के लिए कम खर्चा पड़ता है, 150 चाहिए। तो जो चाहते मिल जाए, जैसे ही मिलेंगे 150 में काम चल जाएगा, 50 वो निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वो नहीं रखना चाहते अपने पास। जितनी कम लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी में रहेंगे उतना स्टेबलाइज रहेंगे वो, वरना ठीक है। और इसी तरीके से इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हाँ, हमको एनर्जी देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक है, ऐसे ही इंडोथर्मिक हो जाएंगे। अब उसके बाद दूसरी एनर्जी, अगली एनर्जी हम लोग देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन
एनर्जी कैरी करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरी करता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम क्या इसको लिख देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी इज द एनर्जी विथ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां बात कर रहे थे केमिकल एनर्जी वाली बात, केमिकल एनर्जी में जब Zn बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन धक्का लगा देगा, फेंक देगा अपने बाहर से, तब तो वो इसके इस काबिल हो पाएगा कि SO4 के साथ जा पाए, और जाना चाहता है क्योंकि ये कम एनर्जी की स्टेट है। तो उस सिचुएशन में जब वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चलते हैं, है ना। जो 20 एनर्जी मिली, 20 दे दी इलेक्ट्रॉन को उसने, 20 में मान लो 10 चली गई हीट पैदा करने में, 10 तो मिली तो इलेक्ट्रॉन को 10 पास कर दी। यहां 100 थी, सपोज कर लेते हैं 100 थी और इसकी कुछ रही होगी, इस 100 वाला बचा 80, तो 20 का गैप आया, 20 में से 10 चली गई हीट होने में, और 10 क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन को मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चल पड़े। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चले तो क्या हो गया, उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चले तो उसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मूविंग इलेक्ट्रॉन कैरिंग एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो लेके चले, आप उस इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके चल रहा है उससे आप कोई भी काम करा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जो लाइट आती है हम लोग के यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहे, उसको धक्का लगा लगा के भेज रहा है पावर हाउस वाले, जहाँ पे बिजली बन रही है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूविंग इलेक्ट्रॉन डेवलप किए जा रहे, लेकिन इस केमिकल से नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं मैग्नेट से, मूविंग मैग्नेट से, 12th में पढ़ेंगे फ्लक्स वगैरह। तो वो घूमता रहता है मैग्नेट, और घूमते हुए मैग्नेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भागते हैं, उन पर फोर्स लगता है फ्लक्स चेंज होने की वजह से, वो भागते हैं, घुमाते रहते हैं और भागाते हैं और भागाते हैं, दूर भगाते रहते हैं, वो इतने भगा देते हैं कि वहाँ से भाग भाग के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, सारे तारों के थ्रू हमारे घरों में। और हम लोग क्या करते हैं, चालाकी, या हम लोग किस लिए इसको मनाते हैं, बीच में बल्ब लगा देते हैं, तो वो एनर्जी लेके आ रहे हैं और बल्ब में हमने खर्चा कर ली एनर्जी, उन्होंने बल्ब जला दिया क्योंकि उनके पास एनर्जी है, हमने ले ली एनर्जी और फिर वो चले गए इलेक्ट्रॉन घूम के, एनर्जी खत्म हो गई, उसके पास इतनी एनर्जी बनी कि सर्किट कंप्लीट कर सके, वो बिना एनर्जी के कम एनर्जी के वापस चले गए, फिर वहाँ से पुश किए पड़े, और लाइट जब जाती है तो क्या होता है, वो मैग्नेट वहाँ घूमना बंद हो गया, जब घूमना बंद हो गया तो धक्का लगना बंद, इलेक्ट्रॉन पे आ ही नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे तो बिजली नहीं आ रही। हमारे यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या बिजली आ रही है तो क्यों आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, चार्जेस हर तार में चार्ज है, तभी पंखा चल रहा है, तभी LED जल रही, ट्यूबलाइट जल रही, वरना नहीं जलेगी, है ना। तो ये कैसे हो रहा है, पावर हाउस वाले उसको इलेक्ट्रॉनों को डरा डरा के भगा रहे हैं कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, वो दौड़ दौड़ के तारों के थ्रू हमारे और आपके घरों में जा रहे हैं, और वहाँ पर जो भी चीज़ हमको चलानी है चलाई जा रही है। बात समझ में आई। अब इसके बाद आती है एक न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी बड़ी आजकल चर्चा में रही एक समय में, अब भी है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह से हमको मिलती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव वाले और कुछ न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, ये प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का मतलब या तो बड़े न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं या हम लोग दो छोटे न्यूक्लियस को मिला के बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, यानी न्यूक्लियस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज। तो दोनों ही तरीकों में वो एनर्जी रिलीज करता है हमको, जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें हीट देनी भी बहुत पड़ती है फ्यूजन में, है ना। तो हमारी कोशिश क्या रहती है, अगर बात देखें कि अगर हम इसको तोड़ दें बड़े वाले न्यूक्लियस को अगर हम तोड़ दें तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है। और इसका रिएक्शन देखिए क्या बनता है, इसका रिएक्शन ये बनता है, यूरेनियम अगर आप लेते हैं 94-235, यूरेनियम पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड कराते हैं तो हमारा बनता है क्रिप्टॉन, 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी होती है, ये एक एटम की बात की जा रही है। तो जब हम लोग इसको बॉयलर में यूज़ करते हैं
तो इससे बिजली पैदा कर लेते हैं, छोटी जगह में यूज़ करते हैं, तो इससे बहुत बिजली पैदा की जा सकती है, क्योंकि एक ही एटम से देखिए 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि अगर दो प्लेटों के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें हम, और ये प्लस है ये माइनस है, और एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे पहुँचाएं, ये रिपल करेगा। देखिए हम जितना वर्क करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट क्रॉस करने में, वो एनर्जी जो लगती है उसे बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से एक बार, हमें एक इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा के इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुँचाना है। इन प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्ट का। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जितना काम करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि SI सिस्टम के बाद सबको जूल बोला गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन बन गया। और रिलेशन क्या है ये आप याद कर लीजिए, आगे देखेंगे हम लोग 12th में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये रिलेशन हमारे हाथ में है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है। तो एक एटम से आप अगर आप देखें तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एटम से, एक एटम की कहानी है ये, तो उससे ये एनर्जी मिली। आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ ए वेरी वेरी हाई एनर्जी। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिजन। फिजन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब जोड़ना, फ्यूज करना। तो ये न्यूक्लियर फिजन है। जब हम छोटी जगह में इस्तेमाल करेंगे बॉयलर वगैरह में, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सोर्स, और अगर हम इसको बड़ी जगह में यूज करेंगे तो बन जाएगा एटम बम, जो एक बार हो चुका है। जब बड़ी जगह में यूज करेंगे तो इट विल बी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, तो एटम बम बन जाएगा, और छोटी चीज में यूज करेंगे बॉयलर वगैरह में तो बिजली पैदा करने के काम आएगा। ठीक, दूसरी चीज होती है जिसे हम फ्यूजन बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो लाइट न्यूक्लियस को हम आपस में जोड़कर इनको हीलियम का हम लोग न्यूक्लियस बना लेते। ठीक, तो ये 1H2 को मिलाएंगे ड्यूटेरियम के और क्या बन जाएगा? हीलियम का न्यूक्लियस। यहां पे क्या किया? यहां पे फ्यूजन किया, फ्यूज किया इसको। यहां पे क्या किया हम लोगों ने? फ्यूजन किया। इस फ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा हमें काफी ज्यादा हीट एंड प्रेशर चाहिए, तभी फ्यूज हो पाते, नहीं फ्यूज नहीं होते। ठीक, इस ये फ्यूजन को, फ्यूजन में तो और ज्यादा एनर्जी निकलती है जितनी इसकी, इससे कहीं ज्यादा, लेकिन इसको अभी हम संभाल नहीं पाए हैं वर्ल्ड में। हमारे पास ऐसी टेक्निक नहीं बनी कि कंट्रोल्ड रिएक्शन करा पाए इसकी, इसलिए इस बिजली का यूज नहीं कर पा रहे अभी हम। इसका कर लेते हैं, जो सूरज से रोशनी आती है वो फ्यूजन की वजह से ही है बेसिकली, क्योंकि वहां पर बहुत हीट एंड प्रेशर है, हाइड्रोजन भी खूब है वहां, तो वो हमेशा फ्यूज होते रहते हैं, और फ्यूज होकर इतनी इतनी हीट निकालते हैं कि वही हम तक आती रहती है, और आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही। तो सन में बेसिकली कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है। बात समझ में आती है? ये फिजन और फ्यूजन दो तरह की रिएक्शन, और दोनों ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें एक नई आई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक और है छोटी सी बात, और इसमें एक और यूनिट आती थी किलोवाट आवर, जो उन्होंने प्रैक्टिकल यूनिट जो बोलते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिकल यूनिट की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर की नहीं है। ये कहानी किसकी थी? ये थी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ये कहानी किसकी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1000 वॉट, और सेकंड में चेंज कर देंगे तो 3600 सेकंड, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। तो सबका रिलेशन हमें किससे पता करना पड़ा है? अब जूल से। ये प्रैक्टिकल यूनिट है किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं।
हमारे घरों में जो यूज करते हैं, जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है ना, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, वो 500 यूनिट का मतलब है किलोवाट आवर। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली वहीं से लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसकी यूनिट है। ऐसा ही सिस्टम के बाद सबको जूल में किया है, इसलिए हर चीज़ कहाँ घूम के पहुँच जाती है, अब जूल में, क्योंकि हमने ये माना कि है तो एनर्जी के ही फॉर्म, तो एनर्जी के ही फॉर्म है, तो एनर्जी की यूनिट होनी चाहिए, विच इज जूल, है ना। अब एक अंतिम में छोटी चीज और है, मुश्किल से 5 मिनट की, वो भी देख लेते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, एनिहिलेशन। एनिहिलेशन में क्या होता है, इस बात को समझने के लिए पहले ऐसे समझते हैं कि देखिए क्या होता है कि अगर दो कोई बॉडी हैं, आपने वो देखा है शुगर कैंडी बनाते हैं, जो थोड़ी सी चीनी डालते हैं, फुला देते हैं उसको, फुला हुआ देते हैं खाने के लिए, पिंक कलर का भी रहता है अक्सर वो, है ना कैंडी, हाँ बुड्ढे के बाल है ना, कैंडी बनाते हैं ऐसे घुमाते रहते हैं मशीन में, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी शक्कर डालते हैं, बहुत थोड़ा सा, और वो इतनी थोड़ी शक्कर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा करते, फुलाते हैं उसको, इतनी सी शक्कर को इतना कर देते हैं, फिर इतना कर देते हैं, जब इतना कर देते हैं तो आर पार थोड़ा दिखने लगता है, और उसको और फुला दें तो बहुत कुछ दिखने लगेगा, और फुला दें बादल जितना बड़ा तो बहुत साफ साफ आर पार दिखेगा, और उससे भी ज़्यादा फुला देंगे तो दिखना ही बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बता रहे हैं, कि सेम सिचुएशन क्या हो रही है, इसी तरह जो मास होता है, मास, कोई भी मास हम लाएं उसको फुलाना शुरू कर दें, तो मास को जब फुलाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आर पार दिखेगा, और थोड़ी देर में फुलाते फुलाते वो गायब हो जाएगा। जब मास गायब हो जाएगा तो क्या, कहाँ चला जाएगा, वो एनर्जी बन जाएगा। और इस चीज़ों को किसने, आइंस्टाइन ने बताया था E=mc² से, कि मास कैन बी ट्रांसफॉर्म इंटू एनर्जी। कैसे, समझ में आ रहा है, कि चीनी को लिया, चीनी में मास था, और मास को फुला फुला के इतना फुलाया कि भाई साहब वो गायब हो गया, गया कहाँ, एनर्जी के फॉर्म में। इसी तरीके से दो चीज़ें आ रही हैं, दो कारें खूब कस के हेड ऑन कोलिजन होता है तो काफ़ी चोट लगती है, 50-50 की स्पीड से आ रही, हाँ 50-50 की स्पीड से आ रही तो चोट लगती है उनको काफ़ी, उसके बाद उनकी स्पीड कर देते हैं कितनी, 100-100, तो काफ़ी उनके चपाड़ा बन जाएगा, ये ठोकर खाएंगी। अब 100 की जगह स्पीड कर देते हैं कितनी, 200-200, तो जब वो लड़ेंगी हेड ऑन कोलिजन में तो उनके परकच्चे उड़ जाएंगे, लड़े और गायब हो जाएंगे, दिखेगा नहीं टुकड़ा कहाँ गया। हेड ऑन कोलिजन हुआ और ऐसी लड़े दोनों कि दोनों गायब हो गए। इसी तरह यहां पर क्या किया जाता है एनिहिलेशन में, एक इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज है, एक उसी का अपोजिट चार्ज पॉजिट्रॉन, आपस में इनका हेड ऑन करा दिया जाता है, तो माइनस वाला प्लस से बहुत ज्यादा स्पीड में, क्योंकि माइनस प्लस है ना, बहुत ज्यादा एक्सीलरेटेड टक्कर होती है, और जब टक्कर होती है तो दोनों ही गायब हो जाते, गामा रेज बन जाती है, गामा रेज मतलब सारी एनर्जी, गामा रेज बन जाती है, रेडिएशन बन जाता है, एनर्जी बन जाती है। बात समझ में आ रही है, इतनी तेजी से टक्कर होती है कि टक्कर में एनिहिलेट कर जाते हैं, एक दूसरे को निगल जाते हैं, है ना, और गायब हो जाते हैं, गायब होकर दे क्या जाते हैं अपने को एनर्जी। कैसे, कहानी वही बुढ़िया के बाल वाले, बुढ़े के बाल वाली, इसको फुला फुला के इतना फुलाया क्यों गायब ही हो गया, लेकिन है कहीं, कहाँ है, एनर्जी के फॉर्म। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये मटेरियल था और ये मटेरियल क्या बन गया, एनर्जी। तो मटेरियल कन्वर्ट्स टू एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्शन,
और यही कहानी क्या है एनिहिलेशन। आइंस्टाइन ने हमको दिया था ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें मिला था। यानी ये जो मास है ये सी क्या है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, और मास क्या है जो मास गायब होने वाला है, तो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर इस तरह से मिल जाता है कहानी। ये एनिहिलेशन है, बात समझ में आती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।